Good afternoon to all the daffodil parents and dear students. I hope you all are well. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमपिता परमात्मा की कृपा से दया मेहर से बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ही विपरीत समय है। आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हुए कि जो COVID-19 की वजह से स्कूल 21 डेज के लिए लॉकडाउन करने के निर्देश जारी हुए और पूरा विश्व नहीं पूरा भारत आज लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसकी वजह से हमने अपनी पेरेंट्स मीटिंग भी पोस्टपोन की, अपना रिजल्ट भी पोस्टपोन किया। परंतु हमने सभी स्टाफ से विचार विमर्श कर एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम बच्चों को घर बैठे पढ़ाई का एक बढ़िया माहौल दे सकें, क्योंकि हमारे पास पहले से हमने टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं क्लास वाइज, और हमारे पास एक स्कूल की ऐप है जो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, और स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनकी आउटपुट भी बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर आई है। हमने पूरे साल के अंदर जो भी हमारी स्कूल की कार्यशैली रही, जो भी एक्टिविटीज रही, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करी, और पूरी स्टाफ ने, पूरी मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम घर बैठे बच्चों का होमवर्क देंगे, और वो होमवर्क देंगे जो उन्होंने अगली क्लास में भी करना है। अगली क्लास के अंदर भी उन बच्चों को उस होमवर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी, और वही होमवर्क जो पिछली क्लास का और अगली क्लास का कॉमन होमवर्क था, हमने उसको उठाने का प्रयास किया। प्रतिदिन सभी टीचर्स अपने घरों में बैठकर इस चीज के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर, किताबों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि अगले साल का जो कॉमन होमवर्क है, कॉमन वर्क है, उसको उठाकर बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, स्कूल की ऐप के माध्यम से दिया जाए, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ टच रहें, क्योंकि 15 से 20 दिन का जो एक डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 15 से 20 दिन के अंदर बच्चे अपनी मेमोरी में लॉस करना शुरू कर देते हैं, जो बच्चों को याद है वो भूलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने पूरी मैनेजमेंट और स्टाफ के साथ बैठ के हमने विचार विमर्श किया कि हमें बच्चों के साथ टचिंग बना के रखनी है, इसलिए हमने वही होमवर्क जो कॉमन वर्क है वो उठाकर बच्चों को डेली देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप सभी पेरेंट्स से, अभिभावकगण से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों को डेली डेली घर पे बिठाकर वो होमवर्क करवाएं, ताकि वो अपने प्रैक्टिस के माध्यम से, उस होमवर्क से, क्लास के कार्य से जुड़े रहें, और जब अगली क्लास में बैठेंगे तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। मैं आप सभी पेरेंट्स को, अभिभावक गण को बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी के साथ कि हमारे स्कूल का जो पिछले साल का रिजल्ट रहा 2019-20 का, वो रिजल्ट हमारा 100% रहा। सभी के सभी बच्चे अभी जब भी लॉकडाउन खत्म होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर बैठेंगे। हमने रिजल्ट भी तैयार कर लिया है। हमारी DMC दिल्ली से बन के आ रही थी, तो हमारे पास जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी, और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसकी जो हार्ड कॉपी है DMC की मार्कशीट की, वो आपको एक दिन निर्धारित करके PTM बुलाई जाएगी, और 1-to-1 बैठ के सभी बच्चों की DMC मार्कशीट दी जाएगी। उस सभी बच्चों को मेरी तरफ से मैं उनके नई क्लास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपने इस संवेदनशील समय में पूरा हौसला बना के रखना है, और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि यही बच्चे हमारे जीवन की असली पूंजी हैं, हमारी असली जायदाद है। हमने लॉकडाउन को जो इस विपरीत समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक जो फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, हमने
हमारी सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम सारे पढ़े लिखे और 21वीं शताब्दी के लोग हैं और हमने इस जो संवेदनशील मसला है COVID-19 जिसको हम कोरोना वायरस भी कहते हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय की पालना करनी है, उस सभी ने अपने घर में रहना है, क्योंकि आज की जो जंग है वो तभी सफल हो पाएगी, हमारा भारत तभी बच पाएगा जब हम एक एक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए घर में बैठेंगे और कम से कम बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो बाहर निकलेंगे, परंतु हमने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना, उन्हें घर पर बिठाकर और पढ़ाई से जुड़े रखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यही कोशिश करनी कि वो पढ़ाई से जुड़े रहें, पढ़ाई से बिल्कुल भी अनटच ना हो। इतना ही कहता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।